सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे सामने। रेया, मोना और निशा तीन पार्टनर है और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1। कहता है प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का कितना रहा है? 1,40,000, 84,000, 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। दीज जो प्रॉफिट है वर बी बाय मिस्टेक क्या कर दिया गया है? शेयर कर दिया गया है इक्वल फॉर ऑल 3 ईयर। तीनों साल का गलत मिस्टेक से हमने क्या कर दिया, इक्वली सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जबकि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना चाहिए? 3:2:1 के अंदर। अब कहते हैं नाउ हम डिसाइड करना चाहते हैं कि इस जो एरर हुई है उसको करेक्ट करें, तो नेसेसरी एंट्री बताओ हम क्या पास करेंगे। तो भाई इसके लिए हमने एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसका नाम है टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, के पास्ट के जितनी भी एडजस्टमेंट है उनको इसके अंदर ट्रीट करेंगे। पर्टिकुलर के अंदर जो भी डायरेक्शन ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करेंगे, हर अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करेंगे। जितने भी अकाउंट हमारे सामने, जैसे रेया का है, निशा का है, मोना का है, मोना का और निशा का, ठीक है ना। उसके बाद क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी डेबिट क्रेडिट बना देंगे, ठीक है ना। इसको आप टोटल भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। फर्स्ट क्या कहता है, जिनके प्रॉफिट सबसे पहले तो आपने जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो वापस लेने पड़ेंगे। तो प्रॉफिट कितने थे टोटल? 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000, ठीक है। टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 3,30,000। अब प्रॉफिट आपने इक्वल सभी को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो डिवाइड किससे करोगे, 3 से, तो कितना आ जाएगा, 1,10,000। तो वापस ले लो सभी से, तो क्या लिखेंगे, टू टेक बैक, वापिस ले लेंगे, रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। किस रेशो में? 1:1:1 के अंदर हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया उसको वापिस ले लेंगे, कितने को, 3:30 को। कितना आ जाएगा ये, जिस भी अकाउंट से हम डेबिट करेंगे तो मतलब उस अकाउंट से हमने पैसे काट लिए हैं। तो यहाँ कितने काट लिए हमने, 1,10,000, ठीक है। यहाँ से भी कितने काटे, 1,10,000। यहाँ से भी कितने निकाले, 1,10,000, ठीक है। और सारे कहाँ आ गए, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आ गए आपके, ठीक है, 3,30,000। अब क्या कहता है, अब कहता है बाई मिस्टेक तो हो चुके हैं, अब कहता है डिसाइड करो अब क्या करनी है, ये प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एज पर डीड, और डीड क्या कहती थी, 3:2:1, ठीक है। तो जितना प्रॉफिट आया कितना आया, 3,30,000, डिवाइड किससे करोगे, 3 और 2 5 और 1 6, 6 से इसको डिवाइड करो। 3:30 को अगर डिवाइड करोगे आप 6 से तो कितना आएगा, हर हिस्से में आएगा 55,000। तो फर्स्ट हिस्से में कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएंगे आपके खाते में 55,000, यहाँ कितना आ जाएगा, 1,10,000, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 55,000 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 से, 1,65,000, ठीक है। और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से ये बैलेंस चला जाएगा क्योंकि खर्च हो जाएगा, ये सारा का सारा आपने इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब क्या करो आप, इसका टोटल करो, ठीक है ना, टोटल करोगे इसका, ठीक है। ये कर दिया टोटल, ये कितना आ जाएगा, 3:30 आ जाएगा, ये 3:30, ठीक है। और ये भी कितना आ जाएगा, 3:30, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 55,000, ये कितना आ जाएगा, 1,10,000, ये कितना आ जाएगा, 1,10,000, ये कितना आ जाएगा, 1,10,000, ये कितना आ जाएगा, 1,65,000, ये कितना आ जाएगा, 1,10,000। यहाँ देखो कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ देखो कितने का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है 55,000 का। और ये किसकी वजह से डिफरेंस आया, ज्यादा अमाउंट कौन सा है, डेबिट वाला, तो ये किसकी वजह से आया है, डेबिट की वजह से। यहाँ कितने का फर्क है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ देखो कोई डिफरेंस है, हाँ जी यहाँ डिफरेंस है, कितने का, 55,000 का। किसकी वजह से डिफरेंस है, ये क्रेडिट की वजह से, तो ये किसकी वजह से है, क्रेडिट की वजह से। अब डेबिट क्या हुआ है, एन, तो क्या लिखेंगे, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू किसको लिखेंगे, टू में आएगी रेया, रेया कैपिटल अकाउंट कितने से, 55,000, और ये भी 55,000, ठीक है। तो ये अपनी क्या बनेगी, जर्नल एंट्री
पास हो जाएगी। तो ऐसे आपने क्वेश्चन को ट्राई करने का प्रयास करना है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।